हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय 11 अध्याय हमारा जो है पठन किया हम सबने। आइए प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय विकले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषेणादि पाश्चात्यस्तरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो द्वारका में प्रभु का जो स्वागत हुआ, उनका जो आतिथ्य हुआ, उनसे जो आदान प्रदान हुआ, उसका वर्णन हमने देखा। हस्तिनापुर से जब वो जा रहे थे तो वहां जो आदान प्रदान हुआ वो भी हमने श्रवण किया। अब अचानक से जो शौनक आदि ऋषि हैं, इनको स्मरण होता है कि परीक्षित जो थे वो उत्तरा के गर्भ में थे, तो उनका जन्म कैसे हो गया, क्योंकि अश्वत्थामा ने तो छोड़ दिया। तो और डिटेल जानना चाहते थे परीक्षित के बारे में, कि परीक्षित महाराज के बारे में कुछ बताइए और वो कहाँ कैसे थे क्या थे। तो ये सारा इंक्वायरी अभी होगा, और इंक्वायरी में जो सूत गोस्वामी है ये बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करेंगे उस प्रसंग का। और आपको वापिस मैं याद दिला दूं कि जो भागवत का देखने का दृष्टिकोण है वो बहुत अलग है। वो रसिक, हम लोग कहते हैं ना, रसिक भक्तों के लिए है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवत रसमालयम, मुहुरहो रसिका भूई भावुका। कि ये जो भागवत है ये फल पके हुए फल की तरह है, वेदों के पके हुए फलों की तरह है, पूरा रस से भरा हुआ है, और केवल रसिक लोग ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। जिन्होंने रसिक मतलब वो नहीं जो बहुत बड़े कवि हैं या रोमांटिक हैं या
जो बहुत संसार को रंगीन रूप से देखते, नहीं 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 वो नहीं। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, रसिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इस संसार के रसों में कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से अनुभूति कर चुका है और प्रभु के चरणों में मति लगाने का आनंद और ब्रह्मानंद और भक्ति आनंद का उसमें गोते मार रहा है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से नितांत प्रेम करता है, वो व्यक्ति जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है और आत्मसात करता है, तो उसको कहते हैं रसिक। यानी वैसा रसिक होना चाहिए, वो भगवान के भक्ति रस में डूबा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए भागवत है। तो वैसे अगर आप वही परीक्षित का जन्म और ये सब महाभारत देखेंगे या जन्मेजय भारत जो है उसमें देखेंगे, तो आपको एक वो अलग दृष्टिकोण मिलेगा। राजा महाराजा, ये हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ, वहां से गए, यहाँ से तलवारें निकली, वो ऐसे मतलब आपको उसमें जो महारानी थी, महारानी की दादी थी, उनकी ये थी, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आने लगेंगे। लेकिन भागवत का जो गोल है, वो गोल है हमारा जो भगवान से जो संबंध है उसको पुनः स्थापित करने का काम। तो अब परीक्षित महाराज का यहाँ जो वर्णन होगा वो उनके भक्तिमय जीवन का वर्णन होगा। वो हरे कृष्णा टीवी वाले लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक भक्त की मुलाकात, अनोखा अनोखा या कुछ कुछ ऐसा रहता है कि कैसे आप भक्ति में आए, ऐसा वो बताते हैं सब कुछ। सुषमा माता प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। ध्यान नहीं शायद। तो जो ऐसे मुलाकात लेते हैं तो उसमें भक्त बताते हैं कि वो भक्ति में कैसे आए, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे वो इस भक्ति मार्ग से जुड़े, उनको किसने लाया, कैसे आचरण, हर एक का स्टोरी आप सुनेंगे। एक से एक भक्त का जीवनी जो है एकदम अलग है, एकदम अलग। कौन कैसे भक्त बन गया ये आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। कि एक एक बार इंद्रद्युम्न महाराज के जो टीम है उन्होंने अपने उसमें लिखा था, उनका जो जैसे प्रीचिंग करते थे नोट्स बना बना के देखते रहते, तो उसमें उसमें लिखा था, उसको होते ट्रैवलिंग डायरी ऑफ द मॉन्क। तो उसमें उन्होंने एक बार एक जगह लिखा था कि उनका टीम जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था और करते 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 वो किसी एक मतलब कंट्री के ऐसे पहाड़ियों और वादियों में चले गए लोग करते करते जोश में। तो वहां जाके उनका गाड़ी खराब हो गया, अब रिपेयर करना था, जो भी करना था। तो और वहाँ उनके पास बुक्स थे, तो बोले चलो थोड़ा बहुत देर बुक डिस्कशन कर रहे थे, फिर गाड़ी का जो रिपेयरिंग होगा हो जाएगा, तब तक हम लोग फिर चलेंगे। तो जब वहाँ पहुंचे तो एक ओल्ड लेडी थी उधर और उसके घर में प्रभुपाद जी का फोटो था और हरे कृष्ण महामंत्र का लिखा रहता है ना, लोग हरे कृष्ण से लिख देते घर पे, लिखा हुआ था। ये लोग आश्चर्य हो गए कि इतना दूर में यहाँ कुछ है, और उसके घर में ज्यादा कुछ नहीं, एक कृष्ण का पेंटिंग भी था, मतलब ऐसा कोई मंदिर उंदिर नहीं था, माता जी के घर में पेंटिंग था। और बूढ़ी थी वो, बूढ़ी मतलब 60-65 की होगी, तभी की बात है, 15 साल 10-12 साल पहले की बात है। तो ये लोग बोले, ये लोग देने गए, बोले बोले हाँ ये बुक है मेरे पास। तो ये बोले कि आप कहाँ से जुड़ी हुई है, कोई मंदिर वंदिर जुड़ी है, कोई भक्त से जुड़ी है। तो बोले कि नहीं, बोले ये जो स्वामी जी हैं, बोले मैं इनको, मैं फ्लाइट में वो थी, क्या बोलते उसको, मतलब एयरहोस्टेस थी, तो मैंने इनका एक बार वो जो भी इनको पानी वानी चाहिए था तो मैंने दिया था। तो उनका जो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि इनको कोई ग्रंथ दे दो करके, तो एक ग्रंथ मिल गया। और बाद में मैं नहीं जानती थी वो कौन है, लेकिन बाद में मैंने तभी नहीं पढ़ा, मैंने जब कुछ साल बाद जब ऐसा जब मेरा सब जॉब वॉब खत्म हो गया तो मैंने खोल के देखा कि क्या है। तो जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मैं इनको खोजा तो पता चला कि अब शायद ये इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर मैंने उनका जो जो एक एक वर्ड है वो मेरे जीवन में अप्लाई किया और मैं जो है ये भक्ति को फॉलो करके, उसको टेक्निकली भी ज्यादा नहीं समझ में आ रहा था, उसको इतना ही समझा कि हरे कृष्णा करते रहना है, आप भगवान से हमारा जो बना हुआ रिश्ता है वो बनते जाएगा। देखिए बड़े बड़े विद्वानों को ये नहीं समझा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इतना, लेकिन अगर आपके गुरु पे थोड़ा भी श्रद्धा है, हाँ त्रायते महतो भयात, वो माता जी ऐसी भक्त बन गई। आप प्रभुपाद को फॉलो कर रहे तो उधर तो भगवान उस घर पे भगवान का ध्यान है। हाँ देखो वैष्णव भी उसी घर में गए,
हाँ, तो फाइट और प्रसाद बना के खाती थी, मतलब जो भी करती थी वो जो पेंटिंग था उधर भोग मंत्र बोल के, हरे कृष्ण ही मंत्र बोलती, उसको और भी ज्यादा नहीं आता था सुनना बोल के अपना जीवन व्यापन करती थी। तो एक एक व्यक्ति कैसे भक्त बनता है ये अपने आप में अनोखा चीज है। तो यहाँ परीक्षित महाराज की जो आध्यात्मिक जीवनी है, जिस जीवन के प्रवाह में आध्यात्मिक भाग है ना, उसका वर्णन यहाँ भागवत में होगा। कई बार हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर प्रभु जी उन्होंने ऐसे किया तो फिर ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, ये सब नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि वो भक्ति में कैसे जुड़े, उनका क्या योगदान है, और उनकी चेतना कैसे भगवदमय थी जबकि उनको किसी ब्राह्मण ने श्राप तक दे दिया था मरने का शब्द, उनकी क्या चेतना थी, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। भाई इसमें प्रवेश करते हैं, आप लोग खोल सकते हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन खुला हुआ है। शौनक उवाच, अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। शेज शौनक सेड द वूम्ब ऑफ उत्तरा मदर ऑफ महाराज परीक्षित वॉज पॉइंट बाय द ड्रेडफुल एंड इनविंसिबल ब्रह्मास्त्र वेपन रिलीज्ड बाय अश्वत्थामा, बट महाराज परीक्षित वॉज सेव्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ पे कहा गया है कि उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे और उनको इतना बड़ा अटैक हुआ और इतना बड़ा जो घात हुआ, इतने होने के बाद ये परीक्षित महाराज बच कैसे गए, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, कोई नॉर्मल अस्त्र था नहीं, वो ब्रह्मा ब्रह्मा का अस्त्र था वो, जो ब्रह्मांड को फाड़ सकता है, तो कैसे बच गए। तो दूसरा श्लोक लेते हैं, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा। हाउ वाज द ग्रेट एम्परर परीक्षित हु वाज हाईली इंटेलिजेंट एंड ग्रेट डिवोटी बॉर्न इन दैट वूम, हाउ डिड हिज डेथ टेक प्लेस एंड व्हाट डिड ही अचीव आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पे जो उनका जन्म है और जो वो कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ और बच कैसे गए, तो ये यहाँ पे सवाल जवाब किए हैं। ऐसे पूरा स्टोरी आएगा, लेकिन एक्चुअली परीक्षित महाराज जब माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तो जो खोल ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, तो भगवान ने इतनी तेजी से उसमें वो कर दिया कि वो अस्त्र कट ही नहीं कर पाया, अंदर विफल हो गया। परीक्षित ने भगवान को गर्भ में ही देख लिया था, भगवान को देख लिया था, अब भगवान को देख लिया तो जब वो बाहर आए तो वही ढूंढते थे कि वो व्यक्ति कहाँ है, वो हर एक की परीक्षा लेते थे, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। और जब वो परीक्षा लेने लगे और सबको देखने ढूंढने लगे, उनको कृष्ण को ढूंढने की बड़ी जिज्ञासा थी और वो जानते थे कि मेरे जो लीनियज में जो मेरे सारे बड़े पांडव इत्यादि हैं, इन्होंने भगवान का दर्शन किया है, इनके साथ उठ बैठ के खाया है, गले में हाथ रखा है, गपशप मारे हैं, और ये महान भक्त हैं जिनके लिए भगवान भाग भाग के आते थे, तो मेरे लिए भी आए हैं। अब मैं वो, फिर वो अंदर से भक्त तो थे, बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर थे, और वो बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का भी बात आने वाला है अभी, मुझे लगता है 19वें अध्याय 17 से 19 जो है उसमें परीक्षित महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओह ऑसम अमेजिंग। तो ये परीक्षित महाराज जो है वो एक बार जंगल गए थे और जंगल गए और उन्होंने एक उनको प्यास लग गया, तो राजा थे तो पानी तो कहीं भी मिल जाता, तो आसपास कुआं नहीं था, एक ब्राह्मण वहां ध्यान कर रहे थे, महाराज जी जो ब्राह्मण थे ध्यान कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने जाके पानी मांगा और वो ध्यान से उठे नहीं, वहां एक मरा हुआ सांप था, तो गुस्से में परीक्षित ने वो सांप डाल दिया ब्राह्मण के गले में, जो करना नहीं चाहिए था, गलती था, लेकिन गुस्से में पानी नहीं था तो कर दिया, बोले कैसे ब्राह्मण है पानी मांगे नहीं दे रहा, और वहां से चले गए। तो चले गए तो उनका बेटा आया ब्राह्मण, वो देखा कि मेरे पिताजी का, तो वो श्राप दे दिया, वो श्राप दे दिया कि जिसने भी किया है उसको तक्षक 7 दिन में खत्म कर देगा। तो परीक्षित को ये खबर जाती है, वो चाहे क्योंकि वो भी बड़े भक्त हैं, वो रिटेलिएट कर सकते थे, पर उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अब कली का समय आ गया है और कली जो है वो अपना काम अब चालू करेगा इस युग में। तो कई बार हम लोग ऐसा बहुत टेंशन ले लेते हैं कि अरे अब ऐसा युग आएगा, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा,
कुछ भी नहीं होगा, इस युग में उनका ही जन्म होगा जो इस युग के लिए क्वालिफाइड है, जिनका थोड़ा पुण्य है और इतना पाप है और मनुष्य योनि डिसाइडेड है, उनको इस युग में पैदा कर करके उनका कोटा खत्म कर दिया जाएगा बस। और उसमें धर्म रखा जाएगा संकीर्तन यज्ञ, और जो उस धर्म के संकीर्तन यज्ञ की डोरी को पकड़ लेगा उठ जाएगा, जो नहीं पकड़ेगा वो डूबेगा, वो डूबेगा, अगला गंतव्य जो है कर्म के विधान पे उसका चलते रहेगा। आजकल वो एक नया वेब सीरीज चल रहा है ना असुर, जियो सिनेमा में एक असुर आता है असुर, वो उसका कहना होता है, वो ऐसा बहुत ज्ञानी दिखाया है और कहते हैं कि अब मैं कलयुग को, मैं ही कली हूँ, मैं ही रूल करूंगा, ऐसा वो मेंटली वो दिखाया गया। तो पॉइंट क्या है कि कलयुग एक्चुअली कलयुग चालू कैसे होगा, तो जब ब्राह्मण डिटीरियोरेट हो जाएंगे, ब्राह्मण वर्ग जो है वो वर्ग अपना धर्म नहीं निभाएगा, तो क्षत्रिय भी नहीं निभाएंगे। क्षत्रिय देखते हैं कि ब्राह्मण नहीं करा तो हम उसका पालन क्यों करें, वो भी डिसोबीडियंट हो जाएगा, वो डिसोबीडियंट हो जाएगा तो वैश्य समाज बोलेगा हम इसको टैक्स क्यों दें, वो भी डिसोबीडियंट हो जाएगा, वो देखेगा तो जो शूद्र समाज बोलेगा हम भी किसी को ओबीडियंट क्यों रहे, खाओ पियो मजे मारो समाज में अराजकता फैला दो, हो गया सब खला, तो फिर ऐसा डिटीरियरेट हो जाता है। और कलयुग ना, जितना कली अपना काम नहीं करता उतना ये युग के लोग उसको ले आते हैं, कुछ भी हो गया तो बोल दो कलयुग है ये पाप कर दो कुछ कर दो कुछ हो गया तो बोला अरे कलयुग है, तो कलयुग के नाम पे ही कली बढ़ रहा है, मतलब कली कुछ कर भी नहीं रहा है, मतलब वो मेहनत भी नहीं कर रहा है, उसका नाम से ही चल रहा है। तो एनीवेज, ये जो अभी 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु के हैं, ये सुवर्ण युग माने जाते हैं संकीर्तन आंदोलन के, इसमें जो भी महाप्रभु के आदेश अनुसार हरि नाम लेगा वो उतर जाएगा। और नहीं तो आजकल तो इतना बुरा हाल है कि पहले तो लोग प्राणियों को खाते थे मार के, अब लोग मनुष्यों को मार के खाने लगे हैं, उनका खून मालूम है, ऐसे बहुत सारे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बेबी मीट बोलते हैं उसको, मतलब गर्भवती महिलाओं को गर्भवती रखवाया जाता है, उनको $1,500 दिया जाता है महीने का गर्भवती रही है, और फिर उससे जो बच्चा निकलता है उसका वो लोग अचार बनाते हैं, तो चाइनीज ऐसा लोगों का बेबी, फेवरेट फूड। हाँ चाइनीज लोग सब फेवरेट आइटम है, तो ऐसा ये लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं, नर बलि देने लगे हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन है, तो ये कौन है जिनका इतना कम आयु होता है, तो ऐसा कहा जाता है गरुड़ पुराण में भी कहीं मेंशन कि अगर कोई गाय का मांस खाता है या गाय का ट्रेड करता है या कुछ ऐसा करता है, उस व्यक्ति को जितने गाय के शरीर में रोंगटे होते हैं उतने बार एबॉर्शन का होगा उसका, वो कभी सूर्य नहीं देख पाएगा, तो ये फर्क है। तो इसलिए गोमाता का रक्षण, अन्य प्राणियों का रक्षण, हिंसा करने की जरूरत नहीं है, वो आपको उसको मार के खाने, आपको चावल दाल सब्जी खाइए ना, आपको कौन बोला ये सब करने के लिए, तो ये हिंसा करने से और अराजकता फैलती है और अशांति फैलती है। तो वैसे ही इस युग में ये सब प्राय ऐसे ही काम होते रहेंगे, बंद होगा स्वर्ण युग में, वापिस अच्छा शासन आएगा, फिर अलग युग आएगा, तो ऐसे समय में किनका जन्म होगा, तो दुख करने का कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे युग में उन्हीं जीवों का जन्म होगा जिनका इतना सा पुण्य है मनुष्य योनि पाने का और इतना सारा पाप है भोगने के लिए, तो ऐसे लोगों का जन्म होगा, इसलिए आप उसमें दुख करके ओ हो युग बदल गया, कुछ नहीं, ये जितने अभी पैदा हुए ना सब कमीने, सब बदमाश, सबका अपना अपना चिट्ठा बेकार है, और हरिनाम ये एक रस्सी की तरह है, उसको पकड़ के निकल जाना। एक बार मैं जब नया नया टेम्पल ज्वाइन किया था, भक्ति में आया था सर, जब टेम्पल ज्वाइन किया तो हमारे जो इंचार्ज थे ना, वो पता नहीं समावर्ती सर मेरे बारे में कुछ बोल दिया, तो इंचार्ज को, इंचार्ज मेरे पे थोड़े ज्यादा ही राडार लेके बैठे हुए थे, तो कुछ तो हुआ और हम दोनों में कुछ बातें बन गई थी, हम बन हो गया था, ये बोला ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल देंगे, ऐसे करके मैं बोल दिया था। तो ज्यादा सीरियस नहीं था पर मैंने ऐसे बोल दिया था, सपने में मैंने सपना उस रात को जो सोया ना, पता नहीं वो आत्मग्लानि से आया या जैसे भी आया, उस दिन सपने में प्रभुपाद, एक्चुअली मैं कुएं में गिरा हुआ था, वो सपने में ऐसा था कि मैं कुएं में गिरा हूँ और अंदर में हाथ पांव हिला रहा हूँ, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हूँ, और ऊपर से मेरे गुरु महाराज जो एक रस्सी फेंक दिए, बोले पकड़ो पकड़ो इसको मैं खींचता हूँ, तो मैं उधर ना वो ऐसा मतलब सोच में था पकड़ो नहीं पकड़ो, ऑलरेडी डूब रहा हूँ,
पीछे से प्रभुपाद आए, बोले इस मूर्ख को ना इतनी भी अकल नहीं है कि रस्सी पकड़ के ऊपर आ सकते, हम लोग इसको बचा सकते हैं, यहाँ वहां बस सबको बोलते रहता है, अपराध करता है, नहीं पकड़ेगा तो छोड़ दो इसको। मतलब नहीं प्रभुपाद आ रहा, रस्सी पकड़ लिया तो गुरु महाराज ने खींच लिया। तो ये ऑब्वियसली ये सपना था, ये अच्छा था, इतना अच्छा सपना आया। कभी कभी गुरु और प्रभुपाद अगर सपने में आए तो बड़ा मतलब सौभाग्य है कि ऐसे महान पर्सनैलिटी सपने में आए और कुछ इस तरह से इंडिकेट करें। तो ये एक्चुअली भगवान को ऑर्केस्ट्रेट कर देते हैं। तो ये पॉइंट क्या है कि वो रस्सी जो हरि नाम का फेंका हुआ है उसको नहीं छोड़िए, उसको नहीं छोड़िए। आपको जो भगवान का सेवा मिला हुआ है उसको नहीं छोड़िए, आपको जो वैष्णव मिले हुए हैं जिनका आप सेवा कर सकते हैं उनको नहीं छोड़िए, उनको सेवा करिए। कुछ गलती हुई तो अपनी तरफ से माफी मांग लीजिए, मेरी गलती, तो आप अपना सेवा करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस युग में और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कलयुग में तो आप धर्म धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है, आज सब नकली माल प्रोडक्ट, गुरुजी लोग नकली मार्केट में एकदम लॉन्च हो गया है, जिनको भागवत और गीता तो छोड़ी वो श्लोकों भी नहीं आते, वो तो सीधा मार्केट में बोलते कि हम वेद नहीं मानते और गुरु बन जाते हैं। जोक है, जोक जोक ऑफ मिलेनियम, ऐसे लोग प्रमोट हो रहे हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज जो थे उन्होंने देख लिया कि अब जो है, क्योंकि एक्चुअली एक ब्राह्मण कभी भी राजा सम्राट को, क्योंकि परीक्षित सम्राट थे केवल, एक राजा नहीं थे, आप सम्राट को ऐसा नहीं बोल सकते, आपको पूछना, आपको अधिकार है, आप जाके पूछ सकते थे क्या आपने से क्यों किया, ना सीधा दर्ज कर देना गलत है, ऑब्वियसली परीक्षित महाराज की तरफ से भी गलत है कि गुस्सा है, लेकिन ऐसा कहते हैं उस समय जो है वो अफेक्टेड हो गए। तो यहाँ पे कहा गया कि लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान विष्णु के बड़े प्रिय हैं तो हर जगह बचाए गए। द किंग इज द प्रोटेक्टर ऑफ हेल्पलेस सिटीजंस एंड देयर वेलफेयर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी डिपेंड ऑन हिम। अनफॉर्चुनेटली बाय इंस्टिगेशन ऑफ फॉलन एज ऑफ कली, वो ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिए, इधर बताइए। तीसरा श्लोक, तद इदम श्रोतुम इच्छामो गदी तुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धाना नाम यस्य ज्ञानम अदाच्छुकः। वी ऑल रिस्पेक्टफुली वॉन्ट टू हियर अबाउट हिम, महाराज परीक्षित, टू हुम सुखदेव गोस्वामी इम्पार्टेड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, प्लीज स्पीक ऑन टू दिस मैटर। तो जब परीक्षित को यहाँ पे वो पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से कि कृपया करके बताइए कि उनका क्या क्या जीवन था और कैसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त किया, तो कृपया करके हमको बताएं कि ये एक्चुअली दोनों में इतना जो हाई क्लास वार्तालाप हुआ, अनन्य विषयों पे चिंतन गनन और मनन हुआ, ये बताइए क्या है ऐसा मतलब सिचुएशन था। तो एक्चुअली परीक्षित महाराज को जब पता चलता है कि 7 दिन में वो उनका अंत आने वाला है, उन्होंने वो चाहते तो काउंटर एक्ट करवा सकते थे, कुछ बड़ों से बात करवा के ब्राह्मण को सेटल करवा सकते थे, तो राजा थे, राजा के लिए बड़ा संभव है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सोशल प्रेशर भी डाल देते तो हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा ये तो अच्छा मौका है अब भगवान के धाम जाने का हो गया। जो भक्त है ना वो इस संसार में ज्यादा मतलब अपना आयु नहीं रखना चाहता, वो तो जानता है मूर्खों का बाजार है, यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ हर कोई स्वार्थी है। कलयुग हो ना हो, अन्य युगों में भी ये संसार भव सागर में, और स्पेशली कर्म प्रधान भारतवर्ष में, भारतवर्ष में जो बड़ा बेल्ट कह रहे हैं, भारत खंड की बात नहीं हो रही है, भारतवर्ष में जो 9,000 योजन कह रहे हैं उसमें केवल कर्म प्रधान है, और इसमें प्राय हर जीव आता है कर्म करके सत्य को जानने का प्रयास करके पुण्य पाप और अकर्म करके निकल जाता है और फिर उसको अगली गति मिलती है। ऐसा कहते हैं कि बहुत जन्म वर्णाश्रम पालन करने के बाद व्यक्ति को जो है देवताओं की आस्था होती है, और बहुत जन्म देवताओं की पूजा करने के बाद उन्हें क्या कहते हैं उसको, इन पे आस्था होती है, दुर्गा देवी पे, और 5 जन्म उनके ऊपर करने के बाद उनको शिव जी पे आस्था आ जाती है, 3 जन्म शिव जी का करने के बाद उन्हें भगवान विष्णु तक शिव जी लेके जाता है, फिर भगवान विष्णु में जो है
आपने एक जीवन समर्पित कर दिया तो फिर आप सीधा गोलोक पहुंच जाते हैं, वैकुंठ पहुंच जाते हैं, वैकुंठ के द्वार आपके लिए खुल जाते तो ये बहुत रेयर चीज है। और इधर परीक्षित महाराज जानते थे कि मुझे मौका है, अब भगवान का स्मरण करके उनके प्रति प्रीति लाके मैं ये शरीर को त्याग दूंगा और मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगा। इसलिए वो क्या किए, वो तो जानते थे कि सबसे बेस्ट डिवोटी अभी फिलहाल कौन है, तो वहां सुखदेव गोस्वामी थे। ये संसार देखिए, साधु लोगों के पास लोग क्यों जाते हैं? अगर आप साधु बन गए हैं, या कभी कभी आप ब्रह्मचारी भी रहते तो लोग आपको साधु का ही दर्जा देते हैं, तो आपको एक चीज हमेशा पता होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मचारी या हरे कृष्ण आंदोलन हो या कोई और साधु भी हो, उनके लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साधु बन जाते हैं तो आपको जो है किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक दर्शन से गाइड करना चाहिए, अपने आप को हटा देना चाहिए, आप हैं भी और नहीं भी। जब व्यास देव ने भागवत का जो रचना किया तो उसमें अपने कैरेक्टर को डाला लेकिन अपने आप को नहीं भी डाला, यानी वो कभी मैं मैं नहीं बोले, वो हट गए, वो बोले कि वेद व्यास जो है वो वहां थे। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित को सारा नॉलेज दे दिए जो भी देना है, भक्ति का, इसका, उसका, और सब बता दिए, और वो कृपा भी दे दिए परीक्षित का प्रामाणिकता देख के। और वो उनको वो डिटैच भी थे, ये नहीं कि अटैच हो गए, मेरा चेला है अब राजा, अब परीक्षित जो सम्राट है वो मेरा चेला बन जाएगा तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु माना जाऊंगा। ऐसा नहीं था। आजकल गुरु भी लोग क्या कर रहे हैं, वो किसी प्रामाणिक जीव का उद्धार करने के बजाय थोड़ा थोड़ा प्रीचिंग कर लेते हैं और फिर उनका एक ही टारगेट होता है कि हमको बड़े से बड़े आदमी तक पहुंचना, हाँ हमको जैसे बड़ा बड़ा बिरला अंबानी इन लोगों को डिवोटी बनाना है। ये लोग क्या छोड़ दो, उनका भक्ति कोई काम का नहीं, इन लोगों को बनाओ तो समाज में इन्फ्लुएंस होगा। मूर्खता है, मूर्खता है, प्योर मूर्खता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। इनफैक्ट वो आपका इस्तेमाल करके आपको उड़ा देगा। तो पॉइंट ही क्या है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं गीता और भागवत का ज्ञान क्यों दूंगा, बड़े लोगों में उठना बैठना करता हूँ साधु के कपड़े में, और मैं इनको इनकी तरह चिपड़ी चुपड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके इनको मैं अपना बना लूंगा, और मैं हरे कृष्णा भी नहीं कहूंगा लेकिन मेरा तिलक देख के लोग समझ जाने चाहिए हरे कृष्णा, तो इतना भी रिस्की प्रीचिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक साधु हैं, उन्होंने परीक्षित का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया कि हाँ अब एक काम करो इतने सोने के सिक्के आश्रम में भेज दो, नहीं, उन्होंने आए हुए हर जीव को उसके उद्धार का मार्ग बताया, उसके सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का निराकरण किया। ये गुरु का काम होता है। गुरु का काम बिल्कुल नहीं है कि वो स्टोर करके रखे, अपना चिंता करे, फिर तो देहात्म बुद्धि हो जाएगा। और अगर आप एक कोई उस स्थान में देखता है तो अपने आप को क्वालिफाई करिए, अगर क्वालिफाइड नहीं है तो चीट नहीं करिए, कम से कम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लू नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी के चरणों पे बैठ के परीक्षित महाराज ने पूरा श्रवण किया और उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए, और उन्होंने पूरा भगवान कौन है तो वो इस रूप में क्यों आए और फिर ऐसा क्यों हुआ, बहुत सवाल जवाब, बहुत। पांचवा स्कंध जब पूरा सृष्टि की रचना के बारे में बता देते हैं और अंत में नरक का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्या ये पाप कभी खत्म नहीं होगा? तब परीक्षित तब तब सुखदेव गोस्वामी जो है वो अजामिल की कथा सुनाते हुए हरि नाम की महिमा को बताते, और करते करते ऐसा उन्होंने जो जीवन के हाईएस्ट लेवल है उधर का दर्शन भागवत के माध्यम से दिया। चौथा श्लोक लेते हैं, अरे 9 बज गए, तो चौथा श्लोक कल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मैंने देखा ही नहीं घड़ी। यहाँ एक बस ये तात्पर्य में एक लिखा है कि कई बार आजकल के जो फेक गुरु हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि बच गुरु चेला को शौक हो गया। हाँ वो जनरली क्रिश्चियन लोग दिखाते हैं ना, क्रिश्चियन फादर जो पैसा पगार पे काम करते हैं, वो लोग पक्का सेल्स एजेंट जैसा काम करता है, टाई वाई पहन लेगा करके। दिखा कि जैसे शौक हो गया, वो माता जी लोग भी 100-200 रुपए लेके नाटक कर रही, अब उनको कोई पकड़ भी नहीं सकता, माता जी करके अब
करके लंगड़ी ये बोलती, मेरे को चलना नहीं, मतलब चलना हो गया। और फादर खुद जो है हार्ट अटैक से मर जाता है, फादर खुद कैंसर से मर जाता है। तो कितना मूर्ख है ये, मूर्ख मतलब महामूर्ख। मतलब मेरा शासन आएगा ना तो पहले इन लोगों अनाड़ियों को पीट के भगाऊंगा। और टाई वाई पहन के एकदम स्टाइल में रहेगा, उसको लगा के क्या कितना विद्वान है ये, कुछ नहीं ऐसा लेने का रटक मारने का, उसको खाची करके बोलने का, बोल अब कर शास्त्रार्थ। जीसस 12 साल किधर था, सॉरी 18 साल, लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस, उम्र के 12 से लेके 30 साल वो कहाँ थे जीसस किसी को भी नहीं मालूम है। वो भारत में थे, यहाँ वेद पढ़ के गए थे प्रचार करने। एनीवेज, तो यहाँ कहा गया कि कई लोग ऐसे एक्टिंग करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वैसे नहीं थे। उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया और दिव्य ज्ञान से ये प्रमोट हुए और उनकी जो चेतना का लेवल है वो हाईएस्ट हो, जागृत हुए। तो कोई करंट नहीं होता है। आजकल हमारे वैदिक प्रथा में भी कुछ लोग हमारे वैदिक प्रथा को दिखाते हैं, वो अपने चेले को ऐसा हाथ लगा दिया, चेला वो चालू नाटक चालू हो जाते हैं। हाँ, और फिर उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, हमारा कैलाश खेर है ही, वो अपना भजन गा देता है, जिसको दे दीजिए वो बेचारा गुरुकुल में पढ़े हैं तो अपना जो तो भजन, उनको जो भी गुरु जी बोलते हैं भजन मेरे लिए बना दो, तो बना के गा देते हैं। आदि अनंत वह गाते हैं, इधर उसका चेला लोग हाथ लगा गा रहे, उसको 2 टाइम खाना नहीं तो आग सूख जाएगा और तुमसे लड़ जाएगा, एडमिशन फी पैसा वापिस मांग लेगा, सारा एक्सटेसी 2 मिनट में सूख जाएगा। आजकल ये वीडियोग्राफी ऐसा हो गया है ना, आप कुछ भी वीडियो बना के कुछ भी रिलीज कर सकते, कुछ भी, मतलब कोई वीडियो कुछ है, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ है, वो मतलब इतना फर्जी गिरी है। आप फोटोशॉप कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, वीएफएक्स कर सकते हैं, मतलब आप चाहे वो कर सकते हैं। उल्लू बनाने के लिए यही है ही हुए मीडिया, सच का झूठ, झूठ का सच करने के लिए ही ये बना हुआ है, इसका कुछ ज्यादा अच्छा फायदा है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एक हाथ दो क्वेश्चन अगर आपके प्रेसिंग क्वेश्चंस हैं। कृष्ण आज के शुरू प्रभु क्वेश्चन जी, में, यस बोलिए ना, बोलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम यस प्रभु जी। बोलिए। मैं गीता में ऐसे पढ़ रही थी तो जैसे उसमें ये बताया था कि जो बहुत पुण्य और पाप दान पुण्य बहुत करता है तो फिर वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर गिरता है, फिर उसको किसी अच्छे घर में जन्म मिलता है तो वो भक्ति करे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग अच्छे घर में जाने के बाद भी वो नशा करते हैं, दारू शराब गलत काम करते हैं, तो वो भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब उसका नशा हो जाता है उनके ऊपर या क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो स्टेटमेंट अलग है। आज जो बड़े घर में जन्म लेने वाले जो भक्त, उनका स्टेटमेंट, तो ये दोनों अलग स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है, शिणे पुणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशन्ति, कि जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और 36,000 साल का आयु होता है, अर्थली कैलकुलेशन से 36,000, और उनके आयु में 100 ही साल, 100 ईयर्स ऑन। तो ऐसा उनका जो कैलकुलेशन है उसमें वो भी 100 ही साल जीते हैं, और फिर उनका पुण्य खत्म हो जाता तो नीचे आना पड़ता, तो ये अलग स्टेटमेंट है, और नीचे कहीं भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अगला कर्म। अब आया जो योग करते हैं, यानी जो योग मार्ग से जुड़े हैं, चाहे वो निष्काम कर्म हो, ध्यान योग हो, सारे ज्ञान योग, भक्ति योग, तो भी अगर वो पूरा नहीं करते, योग भ्रष्टो भी जायते, अगर वो योग भ्रष्ट हो गए तो उसमें वो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से और नीचे आते हैं, और फिर नीचे आके वो एक्चुअली अगला जन्म जो उनको शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तो शुचि नाम यानी ब्राह्मणों के घर में, और श्रीमताम यानी किसी या तो अमीर घर के उधर जन्म होता है। ये क्यों? क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो माता पिता पहले से संस्कार देंगे, और अगर जो श्री श्रीमताम गेहे अगर किसी श्रीमंत घर में जन्म हुआ तो शारीरिक चीजों के लिए कष्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कम से कम रोटी कमाने। आजकल क्या है, लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं, हर एक आदमी रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है, लोन भरने में लगा हुआ है। एक्चुअली हर कोई डिसाइड करके हम लोन नहीं देंगे, कोई आपका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन आपको वो मीडिया की तरफ से डराया जाता है, क्रेडिट ऐप डाउनलोड करो और अपना भुगतान करो और आईपीएल में आपको एक सीट मिलेगा, सीट मेरे को 500 मिलता है तो तेरा क्रेडिट ऐप से हम लोन क्यों भुगतान करेंगे और आपको जेल में भी नहीं डाल सकता, कितने लोगों को डालेगा। तो लेकिन एनीवेज, लोग क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं और भरते रहते हैं। लोन देते वक्त एक मीठी सी लड़की फोन करती है, सर वी वुड लाइक टू गिव यू क्रेडिट कार्ड,
चूसने के लिए वो डॉन लोग आते हैं रास्ते पे, आते मारपीट के जाते, बोले पैसा भरने को तो वो फिर किसी और को चूसता है, तो ये चलते रहता है दुनिया में लोन का। तो एनीवेज मैं लोन में चला गया क्रेडिबिलिटी। आपका मेन क्वेश्चन क्या था? जो ये पैसे वाले घर में हाँ जाते पर तो भक्ति हाँ नहीं तो करते। जो श्रीमतान की, तो जो भक्तों के जो ऐसे अमीर घर में जाते, तो उनको ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ता, आराम से वो भक्ति कर सकते हैं और आराम से निश्चिंत तो होते हुए वो अपना जप कर सकते हैं। आप देखो ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमने देखा है हमारे प्रोग्राम्स में, ऐसे भी लोग आते हैं बहुत इलाइट फैमिली से, पैसे का कोई कमी कोई नहीं, मतलब इनफैक्ट बोलते हैं कल फीस देना है तो बोलते प्रभु जी मैं देता हूँ, मतलब उनके लिए पैसे 5,000 निकालना कोई बड़ा चीज है ही नहीं, इतना रहता है। हमारा रहता है कि अरे इधर वो करना है उधर वो करना है, इनको तो आसान हो जाता है। तो वो क्यों है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम अब, और उनको भक्ति करने का मौका मिलता है, लेकिन पॉइंट क्या है दोनों में, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए और श्रीमंत के घर में जन्म भी हो जाए, और भक्ति आपका इंटैक्ट है तो मौका जरूर मिलेगा, लेकिन एक चीज होता है फ्री चॉइस, जो आपने कहा ना अहंकार या मद आ सकता है कि मैं जी बहुत अमीर हूँ, तो वो हमेशा काम करेगा, वो माया का शक्ति। तो वहां अगर जीव प्रामाणिक नहीं है, उसका एक ही फैक्टर है प्रामाणिक, सिंसियर, सिंसियर है बच जाएगा, सिंसियर नहीं है डूस, तो वो है, वो एक परीक्षा है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कोई श्रीमंत घर में जन्म लिया है तो पिछले जन्म में उसने बहुत कुछ किया तब मिला, ऐसा नहीं है, कई बार नॉर्मल कर्मा के फैक्टर में भी कोई अमीर घर में जन्म ले सकता है, तो ऐसा। हरे प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, कृष्ण। धन्यवाद। यस, किसी और का क्वेश्चन? वाह, आज लगता है मुझे छुट्टी मिला है। हरी बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, यस बोलिए प्रतीक हरे जी, बोलिए। फिर आप प्रभु जी कौन है? नितिन जी, पहले प्रतीक जी को बोले दीजिए, फिर नितिन जी आप बोलिए, प्रभु जी। बोलिए। हाँ, अभी आपने बताया कि बहुत सारे मतलब ऐसे गुरु हैं जो सिर्फ तिलक लगाते हैं और बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, बट उनका एक ये होता है कि दे आर प्रीचिंग अलग लेवल से, जहाँ पे वो लोग पहले कनेक्ट करते हैं बहुत मतलब यूथ है और बहुत लोग है जो लोग अभी तक जानते नहीं, अवेयरनेस टाइप में। तो हम लोग उसको कैसे समझे, क्योंकि बहुत मैंने देखे कि उनको कनेक्ट होने के बाद वो लोग फिर आने के बाद फिर बाद में भक्ति करने लगते हैं, प्योर भक्ति। तो उनका स्टैंड वो अलग ये होता है, तो हमें उनको कैसे देखना चाहिए कि सिर्फ प्योर भक्ति ही देनी चाहिए हर किसी को, या फिर वो लोग जो कर रहे हैं वो भी मतलब सही है या गलत है वो पता नहीं चल रहा है, वो कैसे देखने का। देखो, सही और गलत अगर हमारे बुद्धि से ना समझ में आए, तो इसलिए आइडियल लोग होते हैं जिन्होंने करके दिखाया है कि आपको नौटंकी करने का जरूरत नहीं है, ये सब कृष्ण को छुपा के आप कृष्ण कैसे दे दीजिएगा। वैसे मैंने आज तक किसी को नहीं मिला हूं जो ऐसे किसी फैन बेस से आया और भक्त बना, एक भी नहीं मिला। मंदिर आ जाते हैं लोग देख के, हाँ वाह वाह वाह, मैं मिला हूँ, ऐसा कोई नहीं, फैन फॉलोइंग सबका होता है, और आपको भगवान को आउटराइटली छुपाने का जरूरत नहीं। आप भगवान के बारे में, प्रभुपाद जी हमारे स्टैंडर्ड हैं, प्रभुपाद वेस्ट में भी गए, सीधा बोले कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनल ऑफ गॉड। एक बार प्रभुपाद किसी सम्मेलन में गए थे और वहां एक मायावादी था, मायावादी वो होते हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं और एक मनुष्य मानते हैं, और लेकिन गीता मानते हैं, थोड़े वो मायावादी थे। तो वो क्या करने लगा, वहां प्रभुपाद भी गए थे और उसको भी बुलाते, किसी हिंदू लोगों को बुलाया गया था कुछ बोलने के लिए, और प्रभुपाद के जो शिष्य थे मृदंग करता लेके आए थे, तो प्रभुपाद कुछ बोल रहे थे तो ये बीच बीच में ना काट रहा था ये मायावादी, और लास्ट में वो बोलना चालू किया और वो कंक्लूड कर दिया कि जो भगवान है अव्यक्त है। तो प्रभुपाद वो जब आगे बोले जा रहा था ना, प्रभुपाद ने शिष्यों को बोला बजाओ कीर्तन, और वो अंग्रेज जो ड्यूटी उन्होंने कीर्तन चालू किया, हरे कृष्ण, सब लोग नाचने लगे क्राउड में, और प्रभुपाद ने फिर वहां से उठ के चले गए बीच में से। तो सबने बोला प्रभुपाद क्या हुआ, मतलब आप नाराज हो गए क्या? अरे नहीं, उधर गया वो बोल रहा है अव्यक्त है भगवान, मैं, मेरे को पसंद नहीं है, मैं उठ के आ गया और मैंने भगवान का कीर्तन कर दिया। तो आपको ये देखना चाहिए किस परंपरा में, ठीक है, ये उल्लू बनाना कि ना, और एक 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 घंटे का 20 लाख रुपए लेना, ज्ञान का धंधा करना, ऐसा गलत है। हाँ काउंसिलिंग, चलिए ठीक है, आप स्टेज पे 20 लाख रुपए ले लेते घंटे का,
आप फैन फॉलोइंग बना देते, चलिए आपका ये सोच भी है, तो आपके पास जो आदमी मिलने आना चाहता है तो उसको टाइम दीजिए ना। अच्छा टाइम दे रहे हैं तो 5-10 मिनट देके उसको आप बोध करिए, उसमें भी आप 1 घंटा मिलने का 5 लाख रुपए लेते हैं। तो आप पैसा बनाने में लगे हैं कि आप ज्ञान बांटने में लगे हैं कि भक्त बनाने में लगे? प्रभुपाद ने कब 5 लाख रुपए लिए किसी से? तो ये तो ऐसा हो गया ना कि गुरु लोगों के जाने के बाद गुरु के नाम पे कैपिटलाइजेशन होता है। तो एनीवे समाव दुनिया अपने अपने तरीके से कन्विंस है, पर मेरा तो यही कहना है कि भगवान को नहीं छुपाइए, भगवान को छुपाने का अभी इतना परीक्षित परीक्षित का देखो ना, परीक्षित ने क्या छुपाया? सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ा, बस एक लंगोटी पहन के निकले अपने गुरु के पास। आज सुखदेव गोस्वामी तो कपड़ा तक नहीं पहने थे, उनका तो ये पूरा विश्व ही वस्त्र, आकाश ही उसके उनका वस्त्र है। वहां बैठे और वो आ चाव में कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा से भक्ता संजाय थे, भक्ति भक्ति देंगे तब भक्ति होगी सामने वाले को। आप उसको शायरी सुनाएंगे तो वो शायर ही बनेगा जी, वो सब बोलने का बातें में आज तक नहीं मिला। ऐसा कोई एक आदमी आ जाएगा, हाँ हमको भक्ति मिला, तो दिया ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और ऑलरेडी प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन का नाम और भक्तों का इतना प्रचार, अरे मैंने देखा है हमारे डिवोटीज ट्रेन में जाके बसेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते, पसीना आता है कभी कभी बर्फ में, रशिया में इतना -डिग्री में हमारे भक्त लोग जाके प्रचार करते हैं। जरूरत नहीं है कुछ छुपाने का, ऐसा कहीं इतना बड़ा कोई आसमान टूट नहीं पड़ा है कि वैष्णव को देख के लोग मार देते हैं कि छुपा के रखना पड़ेगा कृष्ण। लोग बहुत फेवरेबल है, तो बड़े लोगों में आप जाइए, उतना बैठना क्या है? अभी राजा राजा परीक्षित जैसे इतना बड़ा तो कोई नहीं है, परीक्षित राजा है, लेकिन इसको भी सुखदेव गोस्वामी कहाँ बोले कि नहीं, अरे राजा है आ गया है गलती से, अगर इसको मैं कुछ ज्यादा हैवी बोल दूंगा तो फिर ये सारे प्रचार बंद करवा देगा। नहीं है? अरे उनके पास वो गए ही इसलिए थे क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए था। तो ये थियरी कहीं हजम नहीं होता है कि वो संभव, मैं कन्विंस नहीं हूँ और मैंने कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा है। सारा जो प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल हो जाता है, क्योंकि आप 20 लाख लोग हैं और है ना, भगवान के बारे में आप नहीं बोलोगे तो फिर आप द्वंद्व ही बोलोगे, एक जगह बोलोगे कि आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है, और दूसरे लेक्चर में बोल दोगे कि नहीं जो फेक है वही है, मतलब आप खुद ही कंफ्यूजिंग डेटा दोगे, आपके चेले कंफ्यूज होंगे और तिलक आपने हमारी तरह लगाया तो लोग आके हमारा सर खाएंगे। मतलब टट्टी आप करोगे और ड्रेनेज हमको साफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको साधु मतलब गुरु साधु शास्त्र ये एक प्रमाण बेल्ट होता है, तो जब कोई साधु कुछ बोले तभी वो साधु कहलाता है, जब वो केवल शास्त्रों का वचन बोले, चाहे गले में कोई तलवार भी रख दे और बोले तुम्हें मार देंगे, तभी भी वो सत्य बोले वो साधु। ब्राह्मण वर्ग को लोग पांव क्यों छूते थे? वो कितना भी हो जाए राजा के सामने, वो समाज के सामने, वो केवल सत्य बोलते, इसलिए उनका ब्राह्मण का भगवान कहते हैं कि कोई ब्राह्मण का चरण छू ले तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और ब्राह्मण वो लेवल का होना चाहिए, धागा पहन के सरनेम ब्राह्मण तो हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता, उतना लेवल का आपका निष्ठा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का चरण स्पर्श छोड़िए दर्शन भी हो गए तो बड़ा चीज। तो ये कोई वह झूठो का ब्राह्मण वो साधु जैसे कपड़ा पहन लेना, टीका लगाना और फिर जाके लौंडियाबाजी वाले जोक मार देना, चलिए ठीक है एक आध बार आपने मार दिया मार दिया, लेकिन उसी को रेगुलर उसका पेशा बना लेना, तो फिर ज्ञान कब दिया आपने? कब बैठ के ज्ञान दिया? चलो मेरे अगर 10 लाख फॉलोअर बन गए हैं तो ज्ञान दो ना, और फॉलोअर तो फेक मिलते हैं आपको, खरीद सकते हैं आप आराम से, उनका भी रेट होता है। 10 हजार फॉलोअर चाहिए तो 1 लाख रुपये, 50 हजार फॉलोअर चाहिए तो इतना 1 लाख रुपये देते रहिए आप पैसा डालिए, उससे और फॉलोअर बढ़ाइए। और वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, लोग बैठे रहते हैं वर्क फ्रॉम होम, उनका काम होता है, उनको लिंक्स मिलते रहते हैं, उसको देखते रहना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, बस। वो तो कोई भी कर सकता है, बाहर का चीज है कि आप एक आदमी दिखा सकता है कि वो बोल सकता है कि मैं, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे एनलाइटन किया है और आज मैं मेरा जीवन समर्पण कर रहा हूँ। ऐसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें एनलाइटन किया ही नहीं है, उन्होंने और कंफ्यूज कर दिया और मोटिवेशन दे दिया, जाओ पैसा कमाओ। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म का कार्य करो। यहाँ आप धर्म का कपड़ा पहन के बोलते नहीं पैसा कमाओ, तो बेसिकली आपको हाईजेक कर लिया, आपकी मती मारी गई है।
और इसलिए वो हमारे जैसे उसके सामने तो आप आ नहीं पाएंगे, बाकी जनता में कहीं छुप जाए तो फोन कुछ नहीं जाओ। हरे कृष्णा, नितिन जी कैसे आप? हरे कृष्ण दीदी, चांगला आहे, तुमच्या आशीर्वादाने। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। एक पॉइंट श्लोक चालू होता भगवद्गीतेचा, त्याच्यामध्ये जनार्दन असा शब्दाचा उल्लेख केलेला आहे। तर जनार्दन अजून म्हणजे विराट रूप दाखवायचंय कृष्णाला पुढच्या काही श्लोकामध्ये, भक्ती योगामध्ये वगैरे, तर आताच कसं काय म्हणले मग अर्जुन त्यांना जनार्दन? नाही 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 नाही, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भगवद्गीता में आगे विराट रूप दिखाएंगे, लेकिन पहले ही जनार्दन बोल दिया है। तो जनार्दन के दो मतलब है, और जो अर्जुन और कृष्ण का जो डायलॉग है ना, इसमें एक अलग मिठास है। जन अर्दन, अगर जन अर्दन बोलोगे तो भी जनार्दन हो जाएगा, जन आर्दन बोलोगे तो भी वो जनार्दन ही होगा, संधि जब बनेगी, जन अर्दन जनार्दन। तो वो एक जगह से सार्कास्टिक बोल रहे कि हाँ तुम ही इन सबको मार सकते हो, जन आर्दन आप उनको वो कर सकते हो, एक है कि तुम ही इनको और पालन करते हो। तो उस सार्कास्टिक टोन में वो वर्सेस बोलते हो, मैंने वर्स नंबर याद नहीं आ रहे, नहीं तो मैं आपको, मेरे पास है नोट्स। तो एक्चुअली वो भगवान अर्जुन को, अर्जुन जो है भगवान को सार्कास्टिकली डिनोट कर रहे हैं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम देखो मैं ही नहीं कुछ करूंगा ऐसा। ये जन जो है इसको संभालना और मारना तेरा काम है, तुम देखो, मैं मेरे को छोड़ दो ऐसा। रोज भगवत गीता घेतो ना माझ्या मुलाची, मला त्याने हा क्वेश्चन विचारला प्रभूजी। अच्छा, बच्चे है ना? नहीं नहीं, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है। एक हमारा गुरुकुल में नया लड़का आया, तो वो थोड़ा पढ़ने के लिए आया, वैसे मैंने उसको 10th क्लास में डाल दिया आया वो, लेकिन वो गीता और यही सब पढ़ते रहता है, गाता है, भजन गाता है वो, मतलब भक्ति अच्छा। तो वो मेरे पास आया सुबह सुबह नात्योक्ति, प्रभु जी एक सवाल है। मैंने बोला हाँ बोलो। नात्योक्ति आया बोला क्या सवाल है? बोलते प्रभु जी काल जो है ये व्यक्त है कि अव्यक्त है? मैं बोला भाई सुबह सुबह प्रणाम कर लिया, बोला भाई अब ये मैंने भी नहीं सोचा, अब जाके मैं खोज के आता हूँ। तो ऐसा होता है कि तो बच्चे जो है उनका बहुत दिमाग शार्प होता है, तो अच्छा चीज है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या कहते हैं उसको, आपको खुद भी बहुत कुछ रिवील होगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा, संत राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए, हाथ ऊपर किया है और मिल गया प्रश्न हो गया। वेरी गुड राहुल जी, प्रणाम प्रभु। यस, एक्चुअली नितिन प्रभु के बेटे का ही सवाल से थोड़ा याद आ रहा है मुझे, पर मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि दुर्योधन ने जब उसकी सभा में भगवान श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी, तब उन्होंने कौन सा रूप दिखाया था? वो विराट दर्शन ही था ना? नहीं नहीं, ऐसा है, विराट रूप, विश्व रूप और ये जो फर्क है इसमें, और माँ यशोदा ने जो रूप देखा वो फर्क है, वो एक तरह से सेम है एक तरह से अलग है, क्योंकि अंदर में माँ यशोदा ने जो देखा वो 2D पिक्चर, ठीक है, और विराट रूप में काल का दर्शन नहीं था, ठीक है, और विश्व रूप में काल का दर्शन, तो तीनों में फर्क है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा देखेंगे तो बड़ा है, तो मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो मतलब अद्भुत है, उस तरह से सब एक है, लेकिन उसमें डिफरेंस है, वो हम बाद में सेकंड चैप्टर, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में जाएंगे ना, तब वो थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। यस, ज्योति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हमारे ग्रुप में है ना, मींस एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो एक व्यक्ति मनु महाराज प्रति बहुत द्वेषी है, तो हम मनु महाराज को मींस वो परंपरा में भी है, तो फिर अगर पोस्ट डाले भी अच्छे से तो भी वो सुनता नहीं, लेकिन उसको सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं तो उनकी चेतना भी दूषित हो सकते, तो ऐसे लोगों को कैसे ये करे मीन्स?
आप कह रहे हैं कि आपके ग्रुप में कोई एक बंदा है जो मनुस्मृति इत्यादि नहीं मानता है, और हाँ और तो उनको इसमें निकाल निकाल दो ना ग्रुप से, उसको बोलो भाई हम कमीना वाला ग्रुप बनाएंगे, उसमें तुमको ऐड कर देंगे, वहां कमीने बात करेंगे, ये धार्मिक है इसमें तुम्हें रहने का जरूरत नहीं, निकाल दो, कोई कोई उसमें वो मत रखो, उसे दुख लगेगा भाड़ में जाए, वो दुख होगा, लगा दो आप, इतना नहीं सोचने का। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या है, इतना बड़ा थाली में अपने खाना रखा है और उसमें कोई एक बच्चा एक बूंद भी मुत दे ना, तो फिर आप उसको नहीं खा सकते। हाँ यस कभी कभी खाने में बाल आ जाता है ना, तो वो भले बाल से कुछ होगा नहीं, हो सकता है बाल अच्छे से धो के रखा हो खाने में, लेकिन ना वो मेंटली वो खाना अब जाएगा नहीं, अब आप जो खाओगे वो मन से नहीं। वैसे ही है, ऐसे जो आप जो काम कर रहे हो, जैसे यहाँ हम क्लास दे रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा एंटरटेन नहीं करता, ऐसे बहुत सारे आते हैं जो टाइम पास करते हैं, बोलता हूँ भाई नहीं हो रहा है निकल जाओ, कोई कहे तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, मनमानी कर रहे हैं और भी जगह पर, तो वो ज्यादा वो नहीं रखने का, उसको बोले क्या देखो आप, आपको शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम जो हमारे घरेलू ग्रुप है जहाँ में घरेलू बातें होती है उसमें आपको ऐड कर, आइए आप लोग जब हरे कृष्णा करके टप करके निकल जाएगा, खुद ही बोलेगा नहीं 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 मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मुझे भी सुनना होता है ऐसे। वो है क्या, कुछ लोग क्या है ना, बस आपको बस खुजलाने के लिए बोलते रहते हैं, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, बोलने का ठीक है तुम मुझसे निकलो, आजकल इतना फ्रीडम सबको है, आजकल कोई किसी के अंडर बचा नहीं है, ठीक है ना, ग्रुप से निकल जाएगा। थैंक यू मंजू भाई। जी, हरे यस कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये यस सुखदेव गोस्वामी के बारे में थोड़ा जानना है। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र थे, तो उनके उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको चाहिए। माता श्री सुखदेव गोस्वामी के ऊपर हमने करीबन 8 या 9 क्लास लिए हैं, और वो आपको मिलेगा प्रथम स्कंद का कौन सा अध्याय है कोई बता सकता है, पता नहीं मेरे पास वो भी बड़ा कैंटो नहीं है, तो प्रथम स्कंद में जहाँ सुखदेव गोस्वामी की बात आती है, तो हाँ जो पहले ही अध्याय का जो शुरुआत है जहाँ सुखदेव गोस्वामी की बात हो रही है, तो वहां पे मैंने वो क्लास दिया है, आपको यूट्यूब में जाना होगा, मेरा चैनल खोलना होगा दास गदाधर दास करके मेरा चैनल है, तो उस चैनल को खोलने के बाद भागवतम जो है, भागवत जो भागवतम लिखा हुआ प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करके जो 1 2 3 4 ऐसे जो है वो सारे आपको उसमें थोड़ा सा पढ़ा पूरा पूरा दिया हुआ है शुक्रदेव गोस्वामी का भी, ठीक है ना। विशेष अभी सिर्फ इतना बता दीजिए कि उनका जन्म का जो कहानी है वो थोड़ा सा बता दीजिए, उधर मैं ढूंढ लूंगी उसके बाद। तो शुक्रदेव गोस्वामी जो थे वो गर्भ से बाहर आ नहीं रहे थे, व्यासदेव के पुत्र थे, गर्भ से बाहर आ नहीं रहे थे, वो जानते थे बाहर माया है, तो उन्होंने भगवान को व्यासदेव जी ने रिक्वेस्ट किया, तो भगवान आए और भगवान ने प्रॉमिस किया कि आओ बाहर तुम्हें मैं माया टच नहीं करेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो बाहर आए और वो निकल गए वहां से वो अपना, हाँ वो उधर रुके नहीं, कैसा बाकी डिटेल पूरा दिया हुआ है। प्रभु जी, वो 15 वर्ष तक गर्भ के अंदर ही थे, क्या ये सच है? हाँ, 15 16 थे पर शायद 12 या 14 दोनों में से मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो अंदर ही थे, निकले ही नहीं बाहर, आए ही नहीं बाहर, अभी ऐसा कुछ नहीं है, गर्भ में रह सकता है बच्चा, पहले की माताएं बहुत स्ट्रांग होती थी, एक एक टीना घी खा लेती थी महीना महीना गर्भ में होते हुए, ताकि माता ताकतवर हो बच्चा ताकतवर, राजपूत लोग आज भी खिलाते हैं, राजपूत लोग गुर्जर लोग जाट लोग देसी घी खाता है और एकदम बच्चे इनके देखो अट्टे कट्टे, आई लोग जो केमिकल खाता है तो वी नीड टू टेक सम पिल्स यू नो, बच्चा भी ऐसा पिल वाला ही निकलता है, ऐसा नहीं स्ट्रांग होते, तो विटामिन और टॉनिक खिलाते हैं विटामिन और टॉनिक नहीं खिलाते थे, घी खाते थे अभी के लोग। घी, अभी क्या है टॉनिक पीते हैं, टॉनिक क्या, माता जी लोग आजकल बैठ के बियर पीता है प्रेगनेंसी में भी आराम से, बच्चा भी बेवड़ा निकलता है बाहर आके दारू कोसते हैं। एनीवेज ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट कट रही है। सुजीत कुमार जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे कृष्णा आपने ना बीच में ये बोला था कि अपना बादल कैसे बनते हैं ना, उसके ऊपर आप लेक्चर लेने वाले थे, हाँ, तो वो लेने लेक्चर ले वाला लिया क्या? था, नहीं लिया प्रभु, विष्णु पुराण मेरे सामने पड़ा हुआ है, अरे समय ही वाह, नहीं।
एक्चुअली मैं उसके बाद से ना रेगुलर आ ही नहीं पाया, तो मुझे लगा अभी आज आप बोल रहे थे तो मैंने सब्सक्राइब भी कर लिया कि मैं जाके ढूंढता हूँ उसमें कौन सा है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था? नहीं, मैं तो आपको कहीं सुनता हूँ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया था, अभी कर लिया मैंने। अरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।